हेलो गाइज, वेलकम टू टेक आई कोडिंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और कुछ सर्किट कीज़ जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दिखाता हूँ। ये देखिए, हम शॉर्टकट की यूज़ करके सारे काम कर सकते हैं। अगर हमारा माउस अगर काम नहीं कर रहा है तो शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर वन में विंडोज़ की प्लस ए, उसको हम क्लिक करके हम जो वाईफाई ब्लूटूथ ये सेटिंग ये जो विंडो है ये मेनू को ओपन कर सकते हैं विदाउट माउस क्लिक करके। ये बहुत ही इजी वे है कि हम ओपन कर सकते हैं और वाईफाई भी ऑन कर सकते हैं। विंडोज़ प्लस बी हम अगर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर जो राइट साइड कॉर्नर में जो मेनूज है स्टार्ट मेनू में जो टैक्स पर में हम उसको मूव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इसी तरह हम अगर चाहते हैं कि जो टैक्स बार में जो कुछ भी जो हमारा मेनूज है उसको ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम विंडोज़ प्लस वन अगर दबाते हैं तो ये सबसे पहला फाइल मैनेजर होता है बाय डिफ़ॉल्ट वाला, उसको ही ओपन करता है। उसके बाद विंडोज़ की प्लस टू अगर हम दबाते हैं तो विंडोज़ फाइल मैनेजर के बाद फाइल एक्सप्लोरर के बाद जो कुछ भी राइट साइड में मेनू है, यहाँ पर मेरा प्ले स्टोर था, मीन्स राइट साइड में जो होगा ये इंक्रीज होकर होके बढ़ेगा। इस तरह विंडोज़ प्लस थ्री दबाऊंगा तो ये टेलीग्राम ओपन करेगा, विंडोज़ प्लस फोर दबाऊंगा तो ईमेल ओपन करेगा, विंडोज़ प्लस फाइव दबाऊंगा तो सेटिंग, विंडोज़ प्लस सिक्स ये जो स्क्रीनशॉट का कटिंग है ये ऐप ओपन होगा। इसी तरह देखिए स्नैपिंग टूल है जो वो ओपन होगा। इसी तरह विंडोज़ और सेवन दबाऊंगा तो ये जो ऐप है ये ओपन होगा, जो मेनू अब जो ऐप में ओपन किया हूँ अभी। तो ये रहा विंडोज़ की यूज करके, विंडोज़ में जो कुछ शॉर्टकट की यूज करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद ये जो की है ये हम मैं दो मेनू ओपन किया हूँ, बाकी विंडोज़ ओपन किया हूँ, एक है OBS ऐप की और OS के ऑन स्क्रीन एप्लीकेशन, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एप्लीकेशन उसको हम अगर मिनिमाइज करना चाहते हैं तो हम दो कीज़ यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट कीज़, दैट आर विंडोज़ प्लस डी और विंडोज़ प्लस एम, हम यूज़ कर क्लिक करके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं डायरेक्ट। जो कुछ भी ऊपर विंडोज़ के ऊपर ओपन खुला होगा जिसमें जिस किसी मेनू को हम ओपन किए होंगे और यूज़ कर रहे होंगे एप्लीकेशन को, उसको अगर मिनिमाइज करना है तो इसके लिए विंडोज़ प्लस डी और विंडोज़ प्लस एम हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद विंडोज़ प्लस एस की दबा के हम माइक्रोसॉफ्ट के जो स्पीकर है उसको ऑन कर सकते हैं, और उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत है, हम इस इंटरनेट ओपन ऑन करके कर सकते हैं। विंडोज़ प्लस एन में अगली वीडियो में बताया था शायद, विंडोज़ प्लस एन की ओपन करके हम जो नोटिफिकेशन बार है ओपन कर सकते हैं, कैलेंडर ओपन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और अगली जो हमारी शॉर्टकट कीज है उसमें मैं बताऊंगा ये कि ऑल्ट और ESC की दबा के हम मेनू ओपन कर सकते हैं, हमारा जो डेस्कटॉप मेनू है उसको ओपन कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ESC। तो उसके बाद मैं अगली वीडियो में आप लोग को एक स्क्रीनशॉट के बारे में बताऊंगा, स्क्रीनशॉट किस तरह हम ले सकते हैं विथ ओनली यूजिंग शॉर्टकट कीज, देर आर फाइव वेज टू टेक स्क्रीनशॉट। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये शॉर्टकट कीज पसंद आए होंगे और आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने डेली यूज में, एंड होप यू गाइज यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट गाइज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू गाइज, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।